हेलो दोस्तों, मैं अमित ओझा एम हाई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, मैंने जैसे पहले बताया था कि मैं इस चैनल पर मैथ्स के साथ साथ जीएस के भी वीडियोस अपलोड करूँगा, तो उसी क्रम में आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के प्रतियोगिता दर्पण के मई 2021 के करंट अफेयर्स को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले दोस्तों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस आपको मिलते रहें, उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और मुझे ताकत मिले ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर पाऊँ। तो दोस्तों, आज प्रतियोगिता दर्पण के मई के करंट अफेयर्स में हम नवीनतम सामान्य ज्ञान या नवीनतम घटनाक्रम का जो पोर्शन होता है उसको पढ़ने वाले हैं। उसके क्रम में पहला टर्म है दत्तात्रेय होसबाले। तो दत्तात्रेय होसबाले को राष्ट्रीय स्वयं संघ के नए सर कार्यवाह के रूप में नियुक्त किया गया है। सर कार्यवाह का पद आरएसएस में महासचिव का पद होता है और ये आरएसएस में सर संघ चालक, सर संघ चालक के बाद दूसरा बड़ा पद है, दूसरा बड़ा पद है। दत्तात्रेय होसबाले कर्नाटक के हैं और आरएसएस के सर कार्यवाह के रूप में इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। अब है न्यायमूर्ति एन वी रमना। तो न्यायमूर्ति एन वी रमना को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है और न्यायमूर्ति एन वी रमना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे तथा न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक होगा। और इसमें आपको एक चीज़ और एक्स्ट्रा हम जान लेते हैं कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। क्लियर है? अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान को बनाया गया है। तो दोस्तों, आपको ये जानना होगा कि हर्ष चौहान कौन है। हर्ष चौहान है एक सामाजिक कार्यकर्ता और कहाँ के हैं? इंदौर के हैं। तो हर्ष चौहान इंदौर के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 3 वर्ष का होगा। और साथ ही हर्ष चौहान को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्राप्त होगा। एम एन गणपति को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नया महानिदेशक बनाया गया है। ये एमए गणपति उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के हैं। के विजय राघवन। तो दोस्तों, के विजय राघवन भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं और ये पहले से इस पद पर हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है और इनका अगला कार्यकाल 2 अप्रैल 2022 तक रहेगा। इनके कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि के विजय राघवन पद्मश्री से सम्मानित भी हैं। अब इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे पुरस्कार और सम्मान के बारे में। तो पहला पुरस्कार हम देखते हैं, गांधी शांति पुरस्कार 2019। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि गांधी शांति पुरस्कार जो है, ये गांधी शांति पुरस्कार अहिंसक व अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिवर्तन के लिए किसी खास व्यक्तित्व को उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा इस पुरस्कार की घोषणा 1995 में की गई थी, जब महात्मा गांधी की 125वीं जयंती थी। इस पुरस्कार के तहत 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 1995 में यह पहला पुरस्कार जूलियस
रेरे को दिया गया था, जो कि तंजानिया के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। साथ में गांधी शांति पुरस्कार 2019 दिया गया है काबूस बिन सैद अल सैद को, जो ओमान के हैं, और 2020 का गांधी शांति पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है, जिन्हें बांग्लादेश के जनक के रूप में जानते हैं। और यह पुरस्कार उनको पहली बार मरणोपरांत दिया गया है। यह पहली बार है जब गांधी शांति पुरस्कार किसी को मरणोपरांत दिया गया है, और वो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। शेख मुजीबुर रहमान को यह पुरस्कार अहिंसक व अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। साथ में आपको ये भी जानना है कि गांधी शांति पुरस्कार जो है, ये 2006 से 2012 तक किसी को नहीं दिया गया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020। तो दोस्तों, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 कोनेरू हम्पी को दिया गया है। ये कौन है? ये रैपिड शतरंज की विश्व चैंपियन है। रैपिड शतरंज की विश्व चैंपियन है। दोस्तों, 2019 के लिए बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 में पीवी सिंधु को दिया गया था। पीवी सिंधु को दिया गया था। इसी समय 2020 में ही, 2020 के लिए बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार में ही लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया है। अंजू बॉबी जॉर्ज को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, आप साथ साथ लिखते चलिएगा, चूंकि इसमें मुझे कम स्पेस मिल रहा है, तो आप खुद से लिखते चलिए, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। अब हम बात करेंगे ग्रेमी पुरस्कार की। ग्रेमी पुरस्कार 2021 बिली एलिस को दिया गया है। अब आपको ग्रेमी पुरस्कार के बारे में कुछ और फैक्ट्स हैं, जिनको मैं बता देता हूँ साथ में आपको, कि जो ग्रेमी पुरस्कार है, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा, ये ग्रेमी पुरस्कार 2021 63वां ग्रेमी पुरस्कार है। बिली एलिस जो हैं, इनको लगातार 2 वर्ष रिकॉर्ड ऑफ द ईयर प्राप्त हुआ है, का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार लगातार 2 बार प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं, सबसे कम उम्र की। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार लगातार 2 बार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की पहली महिला हैं। अब इस ग्रैमी पुरस्कार 2021 में सर्वाधिक 4 ग्रैमी पुरस्कार जीता है बियोन्स ने। सर्वाधिक 4 ग्रैमी पुरस्कार जीता है बियोन्स ने। और एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है टेलर स्विफ्ट को, जो अमेरिका की हैं, और वो एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कलाकार हैं। ठीक है, अब आइए, अमर उजाला शब्द सम्मान 2020 ये विश्वनाथ त्रिपाठी को दिया गया है। अमर उजाला शब्द सम्मान 2020, ये 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी, और ये पुरस्कार हिंदी साहित्य में दिया जाता है। हिंदी साहित्य में दिया जाता है। और ये जो अमर उजाला शब्द सम्मान जो है, ये हिंदी साहित्य के अलावा, हिंदी के अलावा एक दूसरे साहित्य में दिया जाता है। तो हिंदी के अलावा एक दूसरे साहित्य में ये दिया गया है शंख घोष को, जो बांग्ला साहित्य से संबंधित है। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। तो दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 इस बार 20 भाषा के लिए दिया गया है। तो इसमें हम लोगों को सब भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके किसको प्राप्त हुआ है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इम्पॉर्टेंट होता भाषा में पुरस्कार होता है, जो बार बार पूछा जाता है,
तो उसमें एक है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 एम बीरप्पा मोइली को दिया गया है। तो ये एम बीरप्पा मोइली को किस में दिया गया है? कन्नड़ भाषा में दिया गया है, कन्नड़ भाषा में दिया गया है। और इनका महाकाव्य है श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम। श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम, ये आप लोग लिख लीजिएगा सुन के वीडियो के द्वारा। श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम महाकाव्य है कन्नड़ भाषा का। इसके लिए एम बीरप्पा मोइली को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है। वहीं हिंदी के लिए अनामिका को दिया गया है, और अनामिका को दिया गया है टोकरी में दिगांत। टोकरी में दिगांत, थेरी गाथा 2014 के लिए, ये एक कविता संग्रह है। इसके लिए हिंदी भाषा में अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। और अब अरुंधति सुब्रमण्यम को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है, और ये उनको अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है। ये उनको अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है, और उनकी कविता संग्रह है व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर। व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर, ये भी कविता संग्रह है। इसके लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की। तो दोस्तों राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020, यहाँ आप ये समझिए 2019 के लिए, इस बार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो मिला है वो 2019 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए मिला है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मरक्कर अरे बिक्का दालिंते सिंहम को मिला है, और इसका डबिंग है मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी, मलयालम भाषा की फिल्म है। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, और इसके डायरेक्टर हैं प्रियदर्शन। प्रियदर्शन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार संजय पूरन सिंह चौहान को दिया गया है। ये हिंदी फिल्म है 72 हुर्रे, हिंदी फिल्म है 72 हुर्रे, उसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है संजय पूरन सिंह को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मनोज वाजपेयी को हिंदी फिल्म भोंसले के लिए, और धनुष को तमिल फिल्म असुरन के लिए संयुक्त रूप से दिया गया है। दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए इसमें कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो होता है उसमें स्वर्ण कमल और 2.5 लाख रुपये दिया जाता है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार में रजत कमल के साथ 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कंगना रनौत को दिया गया है, इनकी हिंदी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी तथा पंगा के लिए। और इसमें एक और फैक्ट है याद करने लायक कि कंगना रनौत को चौथी बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है आनंदी गोपाल को, मराठी फिल्म है, और इसके निर्देशक हैं समीर विद्वांस। समीर विद्वांस को सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है, और आनंदी गोपाल को, मराठी फिल्म है। किसी निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का इंदिरा गांधी पुरस्कार ये दिया गया है हेलन को मलयालम फिल्म के लिए। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार दिया गया है तजमल, मराठी फिल्म है, तजमल उसको दिया गया है। इसके निर्देशक हैं नियाज मुजावर। वैसे ही हिंदी भाषा के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है छिछोरे। छिछोरों में जो अभिनय किया था ये थे सुशांत सिंह राजपूत, जिनका देहांत हो चुका है, और इसके निर्देशक हैं नितेश तिवारी। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का दर्जा सिक्किम राज्य को दिया गया है। अगला है किंग भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020। तो दोस्तों ये पुरस्कार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR को दिया गया है, और ये जो पुरस्कार है ये कृषि एवं खाद्य संगठन के द्वारा दिया जाता है। कृषि एवं खाद्य संगठन, एफ
ओ FAO के द्वारा दिया जाता है। अगला पुरस्कार है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020। दोस्तों ये पुरस्कार आशा भोसले को दिया गया है, और आप एक चीज़ जान लीजिए कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है ये महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है। महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है। अगला है दोस्तों फिल्म फेयर पुरस्कार 2021। तो फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार थप्पड़ को दिया गया है, और इसके निर्देशक हैं अनुभव सिन्हा। अनुभव सिन्हा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है इरफान खान को, जिनका देहांत हो चुका है। तो दिवंगत इरफान खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है, और ये किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो इनकी फिल्म थी अंग्रेजी मीडियम, उसके लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार तापसी पन्नू को दिया गया है, और ये पुरस्कार उनको फिल्म थप्पड़ के लिए दिया गया है। और अभी बताया कि थप्पड़ फिल्म के निर्देशक कौन है? तो थप्पड़ फिल्म के निर्देशक हैं अनुभव सिन्हा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार ओम राउत को दिया गया है, और किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार ओम राउत को तान्हा जी फिल्म के लिए दिया गया है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इरफान खान को दिया गया है मरणोपरांत। आइए दोस्तों आगे देखते हैं सरस्वती सम्मान 2020। तो सरस्वती सम्मान 2020 जो है ये डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। किस भाषा में? तो मराठी भाषा में लिखी गई इनके उपन्यास सनातन सनातन के लिए इनको सरस्वती सम्मान 2020 दिया गया है। साथ ही रिवाइज कर लीजिए कि 2019 में सरस्वती सम्मान जो है वो वासुदेव मोही को दिया गया था। किस भाषा के लिए? सिंधी सिंधी भाषा के लिए दिया गया था। सरस्वती सम्मान के तहत 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है पुरस्कार के रूप में। 15 लाख रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है। दोस्तों एक चीज और जान लेने की जरूरत है कि ये जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार है, इसके साथ ही दो और पुरस्कार, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार, ये तीनों सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं, और के बिरला फाउंडेशन की स्थापना 1991 में प्रसिद्ध उद्योगपति के बिरला के द्वारा किया गया था। और इसमें जो सरस्वती सम्मान है वो भारत के किसी भी भाषा में विगत 10 वर्ष में जो सर्वश्रेष्ठ कृति होती है, उत्कृष्ट रचना होती है, उसके लिए दिया जाता है। अब है व्यास सम्मान। तो दोस्तों व्यास सम्मान 2020 प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया है, और जो व्यास सम्मान है ये किसी भारतीय साहित्यकार को विगत 10 वर्षों में हिंदी में पहली बार प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। तो याद रखिएगा ये कि व्यास सम्मान भारतीय साहित्यकार को विगत 10 वर्षों में हिंदी में पहली बार प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। और व्यास सम्मान 2020 प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया है। हिंदी में प्रकाशित उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, इसके लिए इनको व्यास सम्मान 2020 दिया गया है। और साथ में ये भी याद रखना है कि व्यास सम्मान 2020 में
या व्यास सम्मान पुरस्कार में 4 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। अगला कहता है कि दादा साहब, सॉरी, बिहारी पुरस्कार 2020। तो अभी मैंने बताया कि बिहारी पुरस्कार, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान, ये तीनों पुरस्कार केके बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं और तीनों साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। व्यास सम्मान किसी भारतीय साहित्यकार को दिया जाता है विगत 10 वर्षों में हिंदी में पहली बार प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए, और वैसे ही बिहारी पुरस्कार जो है, ये बिहारी पुरस्कार बिहारी पुरस्कार राजस्थान के ही किसी साहित्यकार को विगत 10 वर्षों में प्रकाशित किसी रचना के लिए, उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। तो यह बिहारी पुरस्कार 2020 श्री मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है और ये उनकी आलोचना के लिए दिया गया है। उनकी आलोचना है तस्लीमा, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, संघर्ष और साहित्य के लिए दिया गया है। अब है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019। तो जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 रजनीकांत को दिया गया है, आप जानते हैं कि ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो होता है, ये सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान होता है, और ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 91वां पुरस्कार है। इसके पहले 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया था, अमिताभ बच्चन को दिया गया था। और एक चीज़ और जान लीजिए कि रजनीकांत का जो मूल नाम है वो है शिवाजी राव गायकवाड़, शिवाजी राव गायकवाड़। शिवाजी राव गायकवाड़। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं ऑपरेशन अभियान के बारे में। तो ये है डिजर्ट फ्लैग 6। तो डेजर्ट फ्लैग 6 जो है, ये संयुक्त अरब अमीरात की वायु सेना की मेजबानी में आयोजित होने वाला वार्षिक बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास है, और इस सैन्याभ्यास में भारत ने भी भाग लिया था, भारत ने भी भाग लिया था। दूसरा है दस्तलिक द्वितीय। तो दस्तलिक द्वितीय जो अभ्यास है, ये भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है, और ये जो दस्तलिक द्वितीय है कहाँ संपन्न हुआ था, तो ये उत्तराखंड के रानी खेत में संपन्न हुआ था। कई बार जो ऑपरेशन या अभियान होते हैं उसमें ये भी पूछ दिया जाता है कि किस चीज़ के लिए ये हुआ था या किस वजह से ये महत्वपूर्ण है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो दस्तलिक द्वितीय अभ्यास है भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं का, ये आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए आपसी सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना इस अभ्यास का उद्देश्य था। आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए आपसी सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना इस अभ्यास का उद्देश्य था। आइए दोस्तों पढ़ते हैं वर्ष दिवस सप्ताह। तो वर्ष 2023, वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। आपको ये जानना है कि ये प्रस्ताव जो है, ये भारत के द्वारा लाया गया था और भारत के समर्थन में 70 देश खड़े हुए थे। तो 70 देशों के समर्थन से जो ये प्रस्ताव था मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का, ये भारत ले आया था संयुक्त राष्ट्र महासभा में और उसको ध्वनिमत से पारित किया गया था। दिवस में आपको याद रखना है कुछ कुछ दिवस, ये इंपॉर्टेंट दिवस मैं लिखाता चलूँगा हर बार आपको, और वो एग्ज़ाम में यही दिवस घूम फिर के पूछे जाते हैं। जैसे 8 मार्च है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे संबंधित एक फैक्ट आप याद रख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 28 नवंबर 2012 को विश्व वानिकी दिवस मनाने का, विश्व वानिकी दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। 22 मार्च आप सब
जानते हैं बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस नवीनतम घटनाक्रम में दो पुस्तकें हैं जिसको आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी पुस्तकें भी पूछी जाती हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स में। तो एक पुस्तक है हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, ये बिल गेट्स की पुस्तक है। तथा टर्न अ ब्लाइंड आई, टर्न अ ब्लाइंड आई, ये जेफरी आर्चर की पुस्तक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे मई 2021 के प्रतियोगिता दर्पण का जो करंट अफेयर्स है ये अभी और बाकी है, एक क्लास और लगेगी इसमें, और ये मैं जल्दी ही फिर आपके सामने ये वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। जाते जाते मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और लोगों को इसको शेयर कीजिए ताकि और लोग इसको सब्सक्राइब करें और इसका फ़ायदा उठा सके। साथ ही मुझे हौसला मिले ताकि मैं आपके लिए लगातार ऐसे ही निरंतर मेहनत करता रहूं और इसका फ़ायदा आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों।